बॉयल एग को इन्होंने हल्का सा तवे पे फ्राई करके फिर दिया है, ठंडे हो या मंडे रोज खाए अंडे, और यहाँ पर आके पूरी रात खाए अंडे। क्या बात है साहब। तो ये है बबलू भाई अंडे वाले, जालूपुरा में लगाते हैं ये ठेला अपना। प्याज और काली मिर्च के मसाले के साथ शानदार है। आप रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, सुबह 5 बजे, 6 बजे भी आइए। आपको तो ये है बबलू भाई अंडे वाले, जालूपुरा में लगाते हैं ये ठेला अपना। जालूपुरा में करीम होटल के पास बबलू भाई अंडे वाले। बबलू भाई कितना टाइम हो गया ये ठेला लगाते हुए आपको? अच्छा, आपके आपके वालिद ने लगाया था पहला, उसके बाद आप संभाल रहे हैं। क्या क्या बनाते हैं आप? क्या क्या बनाते हैं? आमलेट बनाते हैं और ये बॉयल है। अच्छा, टाइमिंग क्या है आपकी? सुबह छः बजे तक और लगाते कितने बजे? शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक, यानी कि आप रात भर आए, पूरी रात आपको यहाँ पर अंडे मिल जाएंगे खाने के लिए। दोस्तों ये देखिए, ये बॉयल अंडे इनके ये हो रहे हैं, देखिए ये बॉयल हो रहे हैं, और ये यहाँ पे ये छील के रख रहे हैं, उसके बाद इसको ये फ्राई करते हैं आप तवे पे। तो सबसे खास बात ये है कि शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक, पूरी रात अगर आपको कभी भी भूख लग जाए तो आगे आप बबलू भाई के अंडे खाइए। नहीं, आप बताओ भाई साहब कितने अंडे बिक जाते होंगे आपके एक रात में? बिक जाते करीब 500-600 अंडे। 500-600 अंडे बिक जाते हैं बॉयल और ये फ्राई मिला के? सब मिला के 500-600 अंडे रात। बॉयल अंडा कितने का देते हैं आप? सात रुपए का, अभी 8 रुपए चल रहा है, 7 रुपए। अच्छा, और ये फ्राई जो करते हैं ये कितने का देते हैं? 15 रुपए का, 15 रुपए का एक अंडे का, एक अंडे के आमलेट 15 रुपए। ये बॉयल एग को इन्होंने हल्का सा तवे पे फ्राई करके फिर दिया है। अहमद साहब, अंडे तो बढ़िया माशाल्लाह। अंडे तो वैसे ही ताकत के लिए होते हैं, कैल्शियम प्रोटीन से भरपूर होता है। कमजोर आदमी को भी कहते हैं कि अंडा खिला दिया जाए तो वो ताकतवर हो जाता है। और एक कहावत भी है कि संडे हो या मंडे रोज खाए अंडे, और यहाँ पर आके पूरी रात खाए अंडे। क्या बात है साहब। ये इनका बहुत बढ़िया। तो ये इनका ऑमलेट है, नहीं बहुत बेहतरीन मसाले हैं, लेना दोनों की लेना। बहुत बढ़िया मसाला, बहुत अच्छा है जो इन्होंने ऊपर से काली मिर्च और एक अपना मसाला मिक्स करके ऊपर से डाला है, और प्याज डाली इसके ऊपर, उसकी वजह से इस ऑमलेट का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। बहुत टेस्टी ऑमलेट बनाया है, मज़ा आ गया खा के साथ। बॉयल एग इनका सादे वाले बॉयल एग हैं, ये भी खा के बताते हैं आप। बॉयल एग तो परे बार अच्छा होता ही है, ताकत के लिए बढ़िया है। ज़्यादा क्वांटिटी में खाना है तो जर्दी हटा के खा लीजिए, और नहीं तो आप जर्दी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छा है, मसाला बहुत टेस्टी है, टेस्टी मसाला। और ये ऑमलेट कैसा लगा आपका? बूस्टी भी अच्छा है ऑमलेट। हाँ, इन्होंने तो पर्सनल का खुद के मसाले बना रखे हैं, नहीं है फ्राई करे हुए नहीं है। बबलू भाई अंडे वाले का बॉयल एग तो 8 रुपए का है, और ये ऑमलेट देते हैं एक अंडे का 15 रुपए का,
दो स्लाइस के साथ, दो ब्रेड के साथ, और अगर दो अंडे का आमलेट बनाएंगे तो 30 रुपए का, 4 स्लाइस के साथ। माशाल्लाह मजा आ गया, बढ़िया है। इस इंसान के हाथ में बहुत लज्जत है। भाई क्या नाम है आपका? बबलू भाई अंडे वाला। नहीं पूरा नाम बताया उन्होंने? बबलू सब होता है। एम एस साहब बताएंगे देखिए कि कैसा है साहब, ये अंडे की भुर्जी बना के दी है स्पेशल इन्होंने, बबलू भाई अंडे वाले ने। कैसी है साहब? माशाल्लाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मसाले भी बढ़िया है। लोग ये घर पे बनाते हैं अपने मसाले, क्योंकि बाजार से नहीं खरीदते मसाले। अंडा भुर्जी भी इनकी बहुत बढ़िया साहब, ये अंडे की भुर्जी इन्होंने बना के दिए प्याज और काली मिर्च के मसाले के साथ, शानदार है। तो भुर्जी में बॉईल भी डाला है। आप रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, सुबह 5 बजे, 6 बजे भी आइए, आपको यहाँ पर बबलू भाई मिलेंगे जालूपुरा में करीम होटल के पास, और इनके आकर इनके अंडों का जायका चखिए, बहुत ही शानदार है, बहुत ही मज़ेदार है। अगर आप लोग यहाँ आए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि बबलू भाई अंडे वाले का माहौल आपको कैसा लगा। वीडियो हमारी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, इजाज़त चाहते हैं, शुक्रिया, गुड बाय। ये अच्छे अच्छे खाने ऊपर वाले की दीवी नेमतें हैं, इन्हें खाते रहिए और खुश रहिए।